और इसी बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बड़ी जानकारी ऋषिकेश से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और ऋषिकेश में सड़कें बनी तालाब, ऋषिकेश एम्स में चारों तरफ भरा पानी, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भी भरा पानी, मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और इसका असर अस्पतालों पर भी देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश तालाब बन गई है, ऋषिकेश की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है, एम्स के बाहर भी पानी भरा हुआ है, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में पानी भरा और मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इन दिनों कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है और इसका सबसे ज़्यादा अगर कहीं असर देखने को मिल रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड। यहाँ पर बारिश को लेकर, मानसून को लेकर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अस्पताल तक बारिश का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, ऋषिकेश की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है और ऋषिकेश एम्स के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों को और साथ ही साथ डॉक्टरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इन दिनों लगातार बारिश का दौर जारी है और इसका असर ऋषिकेश के एम्स में भी देखने को मिल रहा है। एम्स के बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से मरीजों को साथ ही साथ डॉक्टर्स को, नर्स को, सभी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर की, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अस्पताल में चारों तरफ पानी भरा दिख रहा है, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भी पानी भरा है और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन नागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, ऋषिकेश के एम्स से एक तस्वीरें सामने आई है जहां पर ट्रॉमा सेंटर में पानी भरा हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल दिव्या, मतलब ट्रॉमा सेंटर एम्स की बात ना करके मैं पूरे शहर की बात करूंगा। ऋषिकेश के अंदर 3 दिन से मूसलाधार बारिश होगी, पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे हर जगह जो है बारिश का आलम है और ऋषिकेश में फिलहाल जो है पानी पानी चारों तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। चाहे गंगा जी का जलस्तर की बात करें या तमाम और सड़कों की बात करें या हर जगह की बात करें तो पानी का जलस्तर बहुत बढ़ गया। यहीं ऋषिकेश एम्स में आलम ये था कि इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहे हैं एम्स के अंदर, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने मरीज हैं वो ऋषिकेश एम्स में ही आते हैं, तो उनको जो है इलाज कराने के लिए पानी में जो है चलकर जाना पड़ रहा था, क्योंकि इमरजेंसी में ये आलम था कि पानी पानी चारों तरफ भर गया था और फिलहाल जो है थोड़ा पानी निकला है और अभी थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है। पर अभी फिलहाल देखने वाली बात यह है कि बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है तो आगे भी दिव्या ये आलम बना रहेगा और इमरजेंसी ट्रामा सेंटर जो एम्स का है वो एक बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, पूरे देश में नहीं पूरी देश दुनिया में एम्स का जो है नाम है, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल है, तो उसको लेकर पहले कहीं जो पहले से व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था पूरी नहीं करी हुई थी, जिसके चलते जो है ये पानी जो है ट्रॉमा सेंटर में भरा गया। विपिन, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यवस्थाओं का जो पोल है वो खुलता दिख रहा है अस्पताल के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में, इस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल दिव्या, ये सबसे बड़ी बात है, ये लापरवाही कहलाती है, विभागीय या शासकीय बेस पे भी कह सकते हैं, या जब ये बनाया गया था उस टाइम एम्स को किस तरह से व्यवस्था देखी गई थी, बारिश बाढ़ को किस तरह से बचाने क्या व्यवस्था देखी गई थी, सबसे बड़ा सवाल या निशान पूरे प्रदेश की सरकार की बात करें या फिर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स अस्पताल है तो सबसे बड़ी व्यवस्थाओं की बात सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं में भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान आता है कि अगर आखिर इतना बड़ा एम्स के अंदर अगर जो इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में जहाँ पर 24 घंटे घायल या मरीज या हर स्थिति में मरीज को लाया जाता है तो उसमें अगर ऐसी स्थिति में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी, पानी भर जाएगा तो उसमें किस तरह से ये मरीज को देखेंगे और किस तरह से ये अस्पताल चल पाएगा, ये बहुत बड़ी दिव्या बात एक सवाल निशान पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यही आलम रहा तो एम्स अस्पताल पे भरोसा न करके फिर लोग जो है वो प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करेंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो 24 घंटे वहां पर उपलब्ध रहते हैं मरीजों के सेवा के।